एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के इस सेशन में हमारे पास है आपका नेक्स्ट असाइनमेंट, दैट इज असाइनमेंट नंबर 17। अब असाइनमेंट नंबर 17 में क्या करना है, ये बिल्कुल उसी तरीके का असाइनमेंट है जो हमें यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग्स में करने थे। स्टार्टिंग में हमें क्या करना था कि हमें स्पॉट द एरर बताने थे, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एरर ही बताना है। आपके पास यहाँ पे सेंटेंसेज हैं और उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। अब जो भी एरर आपको लग रहा है, मतलब जिस भी ऑप्शन में आपको लग रहा है, वो ऑप्शन आपको कहाँ पे लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है और ये बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर भी बता पाते दैट्स वेल एंड गुड, वरना अगर आप ऑप्शन भी बता देते तो उतना भी हमारे यहाँ पे काम चल जाएगा और बाकी हम सॉल्यूशन तो देख ही लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, देन आपको क्या करना है, आपको नो एरर के साथ जाना। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि आपको आप ढंग से दिख सके। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन हैं और इन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने हैं और ये देखना है कि क्या इनमें कोई एरर है, अगर एरर है तो कहाँ पर है और उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है, और अगर नहीं है तो आपको सिंपली नो एरर के साथ जाना। तो इसके सॉल्यूशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ये जानेंगे कि इसको हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना था। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।